Hello friends. Welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hi friends. Today we are going to discuss about the types of the resolution in the company. An Kiney Perkarke Resolution Hotel Company and friends. there are two only two types of resolutions. फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड सेकंड इज द स्पेशल रिजोल्यूशन हम लोग वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड क्या होता है स्पेशल रिजोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन द रिजोल्यूशन विच इज़ पासड बाई अ सिंपल मेजोरिटी ड्यूरिंग अ मीटिंग इज नॉन एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यानी जो सिंपली खाली एक वोटिंग करके मेजोरिटी कितने लोग उसमें मेजोरिटी वोटिंग यानी कि फेवर के अंदर है डिसीजन के बराबर है तो उसके जरिए सीधा यहाँ पे रिजोल्यूशन पास हो जाएगा जिसको तो बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मीन द नोटिस शुड बी इश्यूड एज पर द ऑफ द कंपनीज लॉ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कैसा होगा तो जो उसके लिए एक दो, एक दो नॉर्मल जो नोटिस जो भेजी जाती है प्रोविजन ऑफ कंपनीज जो लॉ है उसके मुताबिक एक नोटिस भेजी जाएगी इसके जरिए होगा फिर सेकंड द रिजोल्यूशन शुड बी पास बाय शो ऑफ हैंड्स बाय वोकल वोट और बाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग जो रिजोल्यूशन किस तरह से पास होगा वोटिंग करके तो वोटिंग किस तरह से होगा यहाँ पे या तो बाई शो ऑफ हैंड्स यानी हाथ ऊंचा करके या तो फिर वोकल वोटिंग जो यस yes वाले वो बोलेंगे यस yes, जितने नो no वाले वो बोलेंगे नो no, और फिर या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होता है उसके जरिए यहाँ पे वोटिंग होगा और यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया जाएगा अगर ज्यादा मेजोरिटी लोग अगर उसके फेवर में है तो थर्ड पॉइंट इज इफ इट इज नेसेसरी द डिसीजन इज टेकन आफ्टर द वोट ऑफ द चेयरमैन इज कास्ट और अगर चेयरमैन के वोट की अगर जरूरत है तो यहाँ पे चेयरमैन भी अपना वोट यहाँ पे डालेगा यानी कि यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी की बात आएगी यानी कि अगेंस्ट में भी फिफ्टी परसेंट है और फेवर में भी फिफ्टी परसेंट है तो फिर चेयरमैन अपना वोट डाल के ये रिजोल्यूशन फेवर में हुआ कि अगेंस्ट में वो अपना वोट डाल के यहाँ पे रिजोल्यूशन पास करवा सकता है द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में बी पास बाय द वोटिंग ऑफ एबसेंट मेंबर्स बाय प्रॉक्सी वोट और पोस्टर वोट्स जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो भी पास करवाना है तो उसके अंदर जो एबसेंट है वो अपने प्रॉक्सी को भेज के वहां पे खुद के बिहाव के ऊपर के वो वहां पे उसके प्रॉक्सी के जरिए वोटिंग डलवा के भी ये के अंदर वो काम आएगा अ रिजोल्यूशन दैट हैज मोर देन वो फिफ्टी वन परसेंट ऑफ वोट इन द फेवर इज नॉन एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यानी जो डिस्कशन हमने करना है मीटिंग के अंदर उसके अंदर डिस्कशन हो जाने के बाद जब वोटिंग होता है और अगर 51 परसेंट या उससे ज्यादा अगर लोग उसके फेवर में है डिसीजन के फेवर में है तो फिर ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो पास हो जाता है इट इज नॉट कम्पल्सरी टू रजिस्टर सच रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार अगर ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है तो ये रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के अंदर वहां पे जाके इसको रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं है तो फ्रेंड्स आप लोग आपका अपना खुद का चैनल ऑनेस्ट ट्यूटोरियल देख रहे हैं और मैं हूं अक्रम शेख और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आज के पॉइंट वो है टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन और oh फ्रेंड्स क्या है ऑब्जेक्टिव ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हम लोग वो डिस्कस करते हैं अभी फर्स्ट है टू अप्रूव द एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी यानी इसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो हमको पास करवाना है क्यों कर रहे हैं हम लोग तो जो इसको जो मीटिंग जो बुलाई गई है तो ये किसके लिए हमने मीटिंग बुलाई है एक तो हमारा जो एनुअल जो अकाउंट्स जो है जो रिपोर्ट जो हमारा है जो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे और इसको अप्रूव करेंगे कि भाई ये ओके है या नहीं है सेकंड है फॉर द चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंपनी का नाम में अगर कुछ चेंजेस करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सबसे पहले परमिशन लेनी है उसके बाद फिर एक इसकी मीटिंग बुलाई जाएगी और फिर यहाँ पे जो रिजोल्यूशन पास होगा उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है क्योंकि कंपनी का नाम चेंज करना है इसलिए हमको यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा थर्ड फॉर अमेंडमेंट इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट्स एज नोटिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस जो भी प्रोस्पेक्टस यानी कि जो इश्यूज ऑफ शेयर या डिबेंचर्स के जो प्रोस्पेक्टस अगर हमने जो रखा था हमने उसके अंदर अगर कुछ अमेंडमेंट यानी कि अगर चेंजेस करना है तो भी हमको एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पहले पास करवाना पड़ेगा फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ़ द कंपनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कौन रहेंगे उसका जो इलेक्शन करवाना है तो उसके लिए भी एक रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा फिर फिफ्थ है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिकमेंडेड डिविडेंड कितना परसेंट हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है यानी शेयर होल्डर्स को हम लोग कितना परसेंट प्रॉफिट में से हम लोग प्रपोजन कितना देंगे तो उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन हमें पहले पास करवाना पड़ेगा फिर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड टू फिक्स हिज रेम्युनोरेशन फिर हमें कंपनी के अंदर फाइनल अकाउंट्स को चेक करवाने के लिए ऑडिटर को भी अपॉइंट करना है तो इसके लिए भी हमें उसका कितना कौन से ऑडिटर को हम लोग अपॉइंट करेंगे और क्या उसको रिम्यूनोरेशन देंगे वो सब हम लोग बाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे एंड सेवन पॉइंट इज री अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड डायरेक्टर जो डायरेक्टर रिटायर हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो रिटायर हो गया या तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर अगर वो रिटायर हो गया फिर उसको वापस अगर रीअपॉइंट करना है तो उसके लिए भी हमें एक रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा एंड टू सिलेक्ट डायरेक्टर्स अदर देन रिटायर्ड डायरेक्टर या तो फिर कोई दूसरा डायरेक्टर जिसको हम लोग रिटायर्ड डायरेक्टर के अलावा और किसी और डायरेक्टर को अगर हम अपॉइंट करना है तो उसके लिए भी हमें एक रिजोल्यूशन जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हमको पास करवाना पड़ेगा तो फ्रेंड्स ये वोटिंग या उससे ज्यादा तो सीधा पास हो जाएगा और इसको हमें कहीं भी में, इसको कहीं रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है नोटिस शुड बी इश्यूड टू में प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज लॉ एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसके लिए भी एक नोटिस भेजी जाएगी कंपनीज लॉ और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत एक यहाँ पे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन अगर कोई पास करवाना है तो पहले क्या करेंगे एक नोटिस भेजी जाएगी नोटिस फॉर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में इंक्लूड ए स्पेशल रेजोल्यूशन कन्वर्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यानी जो नोटिस जो भेजी जाती है अगर ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए अगर कोई नोटिस अगर भेजी जाती है तो उसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो वर्ड है वो मेंशन करना जरूरी नहीं है लेकिन अगर स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए अगर कोई नोटिस भेजी जाती है तो यहाँ पे वर्ड जो है वो मेंशन करना जरूरी है कि ये स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है तो वो जो नोटिस जो जाएगी उसके अंदर ये वर्ड लिखना ज़रूरी है हाउ आर ए क्लैरिफिकेशन हैज बी एनक्लोज यानी उसमें क्लेरिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि हमें ये मीटिंग किस लिए बुलाई जा रही है और क्यों ये स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए है थर्ड दर शुड बी ए मेजोटी ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन अगर कोई स्पेशल रिजोल्यूशन अगर हमको पास करवाना है तो फिर हमें कितना परसेंट वोट चाहिए सेवेंटी फाइव परसेंट या उससे हमको ज़्यादा वोटिंग की जरूरत पड़ेगी इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर स्पेशल रेजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी और द कंसर्ड ऑफिसर में कंपलसरी है मैंडेटरी है कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन अगर कोई पास होता है यानी 75% परसेंट ऊपर अगर वोटिंग हो रहा है और स्पेशल कोई कंडीशन के लिए हम लोग अगर रिजोल्यूशन पास करवा रहे तो फिर जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसको हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर जाके ये रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा तो फ्रेंड्स इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है स्पेशल रिजोल्यूशन क्यों हम हम लोग लोग कर रहे हैं तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं फर्स्ट फॉर द चेंज इन द नेम ऑफ द पर्पस ऑफ द कंपनी विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कंपनी का नाम भी चेंज करना है और कंपनी का पर्पज भी अब चेंज करना है अगर शायद वो पहले मैन्युफैक्चरिंग करता था अब उसका कोई पर्पज चेंज हो गया सिर्फ उसको ट्रेडिंग करना है तो अगर वो पर्पज अगर अपना चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा सेकंड है फॉर द अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हमने जो प्रोविजंस रखे गए अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट यानी कि कुछ फेरफार करना यानी कुछ चेंजेस करना है तो फिर यहाँ पे हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर अगर उसकी जो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हमें ट्रांसफर करनी है शिफ्ट करनी है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा फॉर द अमेंडमेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ ए ट्रिब्यूनल अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर हमें कोई अमेंडमेंट एमेंडम, यानी कोई चेंजेस करवाना है वो भी हमें ट्रिब्यूनल अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट की हमें परमिशन मिली है तो हम लोग उसको कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी हमें स्पेशल रेजोल्यूशन हमें पास करवाना पड़ेगा फिफ्थ है द कंपनी विच कंडक्ट्स वर्क ऑफ पब्लिक बेनिफिट्स पब्लिक वेलफेयर एंड इज ऑथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट सच वर्कस कैन डेल्ट डिलीट द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी जो कंपनी जो है वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए यानी कि सोशल पब्लिक वेलफेयर के लिए के जो काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अगर ऑथोराइज दिया है तो फिर उनके जो कंपनी है उसके पीछे जो हम लोग बोलते हैं ना पब्लिक के लिए लिमिटेड लगता है प्राइवेट के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगता है वो नाम पीछे से हटाने के लिए ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फिर सिक्स है फॉर क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड कितना प्रॉफिट अर्न किया तो उसमें से कितना रिजर्व में हम लोग फंड रखेंगे वो कितना परसेंट रखेंगे उसके लिए कौन सा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा फॉर रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल एंड फॉर द चेंज इन द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स यानी अगर शेयर कैपिटल अगर हमें हमारा कंपनी का कम करना है या तो फिर जो शेयर होल्डर्स के जो राइट्स right है उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है हमें तो उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा टू बेस्टो प्रॉफिटेबल पोस्ट टू अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो प्रॉफिटेबल पोस्ट जो है डायरेक्टर की उसके ऊपर हमें किसको बिठाना है उसके लिए भी पे हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना है टू टू अपॉइंट ऑफ एन ऑफिसर एग्जामिन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंपनी का मैनेजमेंट कौन सा ऑफिसर करेगा उसको अपॉइंटमेंट के लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन होगा टू रिमूव द मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम द पोस्ट अगर किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को पोस्ट पे से निकालना है तो उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और फिर है लास्ट द पासिंग फॉर पासिंग ए रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अगर कोर्ट ने अगर कोई कंपनी को बोला है कि अभी आपकी कंपनी को बंद कर दो तो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी पहले एक रिजोल्यूशन जो पास होगा वो होगा स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा ही ये जो भी होगा वो पास होगा तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं अभी डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के बीच का डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है अभी हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर लिया तो अभी हम लोग फटाफट इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है इसका डिफरेंस सब सबसे पहले हम जाते हैं मीनिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास विद ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ फिफ्टी इन द मीटिंग यानी जो फिफ्टी से ज्यादा अगर कोई मेजोरिटी पे अगर कोई रिजोल्यूशन uh, अगर पास होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन तो सेवेंटी फाइव परसेंट मेजोरिटी टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए कितना परसेंट वोट चाहिए सेवेंटी फाइव परसेंट वोट चाहिए फिर ऑब्जेक्टिव क्या है दिस ऑब्जेक्टिव आर पास फॉर अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड हिज रिशन एंड अदर वर्क यानी जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होगा वो किस लिए हम लोग पास करेंगे तो जो एनुअल अकाउंट है उसको अप्रूव करने के लिए या तो कोई डिविडेंड अगर हमको डिक्लेयर करना है उसके लिए या फिर ऑडिटर जो होता है उसको अपॉइंट करने के लिए या फिर उसका ऑडिटर का कितना रेमुनरेशन या फिर और कोई भी कामकाज के लिए हम लोग ये हमारा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाते हैं और स्पेशल रिजोल्यूशन क्यों करते हैं फॉर द अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स अगर हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट कोई चेंज करना है तो या फिर तो कंपनी का अगर वाइडनिंग अप होता है यानी उसको जब बंद करने की बारी या तब ऐसे सब कंडीशंस होती है तो वो कंडीशंस के अंदर हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है नेसेसिटी क्यों है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज पास फॉर द डेली रूटीन वर्क ऑफ द कंपनी यानी जो डेली जो वर्क होता है रूटीन में जो वर्क हो रहा है जो कंपनी का उसको पास करवाने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यहां पे किया जाता है स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास फॉर द स्पेसिफिक पॉलिसी और मैटर और इम्पॉर्टेंट डिसीजन यानी स्पेशल रिजोल्यूशन किस लिए पास किया जाता है कोई अगर स्पेसिफिक कोई पर्पज स्पेशल पर्पज के लिए ही गया कोई हमको पॉलिसी बनानी है तो उस पर्पज के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाते हैं रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो जो ऑर्डिनरी जो है हमारा रिजोल्यूशन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास होता है तो इसका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना ये कंपलसरी है मैंडेटरी है और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के अंदर नोटिस की बात दीखी जाए तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यानी कि जो नोटिस जो सर्व की जाएगी अपने मेंबर्स को तो उसके अंदर कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं कि ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए हमने मीटिंग बुलाई गई है लेकिन अगर स्पेशल रिजोल्यूशन की बात आती है तो इट इज नेसेसरी टू मेंशन इन द नोटिस रिगार्डिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन तो यहाँ पे वर्ड जो होगा स्पेशल रिजोल्यूशन है तो वर्ड भी मेंशन किया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन से पर्पस के लिए स्पेशियल इस पर्पस के लिए ही हम लोग इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं और इसकी नोटिस के अंदर यहाँ पे मेंशन किया जाएगा होप आप लोगों को ये डिफरेंसेस जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स ये आपको हो सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर फोर या फाइव मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जा सकता है और अगर ये क्वेश्चन अगर डिफरेंस नहीं पूछा जाए तो इन दो में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर भी अगर कुछ पूछा जा सकता है तो अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो आप इसको अच्छी तरह से अपनी एग्जाम्स के अंदर आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप आपका क्वेश्चन मुझे एक कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे पूछ सकते हैं और अगर आपको सब कुछ समझ में आया है अगर और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरे और भी दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के अंदर अपने रिव्यूज भेज सकते हैं ओके फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर